हम जहर खा रहे हैं तो केजरीवाल थोड़ी मना के दो जहर मत खाओ, चाहे 1,00,000 रुपये लीटर हो जाए पीने वाला कैसे पिएगा। हाँ, जब तक जिंदगी है इंसान की दारू भी नहीं जिएगा नहीं, वो दवाई है। बिजली कभी फ्री नहीं हुआ, नहीं फ्री उनके ज़माने में हो गया। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। जनता के द्वारा बताया जाता है कि केजरीवाल गरीबों के मसीहा है। हम जनता से ही राय लेंगे, क्या सच में मसीहा है या झूठ बोला जाता है, क्या लगता है केजरीवाल? का मन से कह रहा हूँ, जो बच्चे से लेके जवान तक सब याद करते हैं, केजरीवाल जैसे आदमी नहीं मिलेगा। हाँ, क्या किया उन्होंने गरीबों के लिए? किया, बिजली कभी फ्री नहीं हुआ, नहीं फ्री इनके ज़माने में हो गया। बस लेडीज़ का कभी फ्री नहीं हुआ, फ्री है बसों का, है ना। और राशन पानी फ्री किया लॉकडाउन में भी, बाकी दिखाने के लिए बहुत, अपने नाम करने के लिए बहुत किया, लेकिन नाम के लिए नहीं किया। केजरीवाल मन से किया, दिखावटी नहीं किया। लेकिन लॉकडाउन में दारू भी फ्री दिए, ये तो संसार की रीति है। आज पहले दारू नहीं बिकती थी, दारू बिकती थी, एक पे एक फ्री नहीं बिकती थी। नहीं नहीं, इससे मतलब नहीं। आज 20 साल पहले दारू नहीं बिकती थी, 50 साल पहले दारू नहीं बिका। जब तक जिंदगी है इंसान की दारू भी नहीं जिएगा नहीं, वो दवाई है। अरे तो लेकिन ये भी शिकायतें हैं कि जो बंदा क्वार्टर पीता था वो आधा पीने लगा उस टाइम पे, उसके पास पैसा पी रहा, जिसके पास सस्ता हो गया, इसलिए सस्ता नहीं होता, चाहे 1,00,000 रुपये लीटर हो जाए पीने वाला कैसे पिएगा। हाँ, ये भी तो बोलता है कि कुछ अच्छा चीज़ फ्री कर देते हैं, कुछ दूसरा चीज़ जूस बांट देते हैं एक के साथ एक फ्री। केजरीवाल तो नहीं कहते कि आओ दारू फ्री ले लो, दूध क्यों नहीं ले रहे लोग? दूध मांगे कि भैया केजरीवाल जी भाई दूध चाहिए, दारू नहीं चाहिए। कोई जनता बोला ऐसा? कोई हम जहर खा रहे हैं तो केजरीवाल थोड़ी मना के दो जहर मत खाओ। वो भी तो जहर खिलाने में कहीं ना कहीं हाथ अपना योगदान दे ही दिए। वो कह रहे हैं कि ले लो अपना, बिना पैसे दे रहा कोई दुकानदार? कोई बिना पैसे दे रहा? हाँ, इसी भ्रष्टाचार में अंदर भी चले। अब उनके पीने वाले पी रहे हैं, अब कौन नहीं गया अंदर? कौन नेता नहीं गया? कुछ चीफ सिटिंग चीफ मिनिस्टर अंदर नहीं गया इस हालत में? ऐसी बात नहीं। पता नहीं कितने वो आपके कौन से लाल बहादुर शास्त्री नहीं गए, बड़े बड़े गए। हाँ, आज नहीं तो कभी देखा किसी जमाने में? कोई दारू के आरोप में थोड़ी गया? नहीं, ऐसी बात नहीं। कौन गया दारू पे, बताइए हमें जरा। तो दारू मतलब नहीं, वो कह दे जहर पी लो। हाँ, अब जब भी स्कूल में बच्चा पढ़ने नहीं आएगा तो कैसे पास हो जाएगा? मास्टर थोड़ी बुलाने जाओ पढ़ने आओ, कि केजरीवाल के दारू देने की दारू पी लो जाके, केजरीवाल के दारू पीने नहीं दे रहे हैं। हाँ, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलता, और सच्चाई सच्चाई। हाँ, सच्चाई ये भी है तो भ्रष्टाचार केजरीवाल जी किए हम, ये सच है कि नहीं? सच हमारे सामने तो नहीं किया भाई, हमने किया। हमने तो जेल क्यों जाना पड़ा फिर? अब किया कि नहीं किया, हमने पकड़ नहीं किया। केजरीवाल जी बोलते हमें फंसाया गया है जानबूझ के, क्या लगता है? फंसाया गया केजरीवाल जी 10 साल रहे हैं, काम हुआ है? काम हुआ, ग्राउंड लेवल का काम हुआ, बहुत सब बहुत अच्छा, हर काम हुआ, बहुत काम हुआ। पानी में शिकायतें आती है, अरे मीठा पानी नहीं आ रहा है। केजरीवाल दवाई थोड़ा बहुत, खाली लेवल लगा रखा, लेवल लगा हुआ। केजरीवाल खुद देखने थोड़ी वहाँ गए, फुर्सत थोड़ी उनको जाने के लिए, जब फुर्सत जाएंगे। केजरीवाल अच्छे नेता हैं? अच्छे, गरीबों के लिए काम करते हैं। अगर अच्छे नहीं होते तो किस जमाने के अफसर, कोई अफसर थे? हाँ, और क्यों, कोई अफसर क्यों नहीं बनता? कितने लोग आए कोई अफसर बना? वो तो बड़े अफसर से इसमें आगे, राजनीति नहीं चाहते तो उसमें रहते, जनता की सेवा में तो आए। नहीं, पैसा वहाँ मिलता, पैसा यहाँ मिलता। ये मुख्यमंत्री बने तो पैसा मिल रहा, और उधर थे तो पैसा मिल रहा था। हाँ, केजरीवाल जी और भी रहे, अच्छा करेंगे बस, और फिर आएंगे। हाँ, आएंगे, अच्छा करेंगे, और उनकी इच्छा दारू काम छोड़ दो, अच्छी बात रहेगा। अगर दारू बात है तो, अगर ठोकर खा गए हैं, अगर करते हो तो नहीं करेंगे बस। पहले जेल से बाहर आए, तब बेल पे बाहर हैं। अब जो कुछ भी हो, मतलब फंसाया गया ना भगवान, उम्मीद तो ये लग रहा, बाकी 80% मुझे उम्मीद है कि फंसाया गया, बाकी जाने 20% आपको भी डाउट है कहीं ना कहीं? हाँ, हो सकता भाई, नेता आदमी है, मन का वैसे भी भरोसा नहीं होता है कुछ। नेता भी अपने बाप पे भरोसा नहीं किसी को, बीवी बहू बेटी है, नहीं विश्वास करते लोग, करते किसी भी? अपने बच्चों को विश्वास नहीं करते हो तो नेता ही क्यों विश्वास करे? तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है केजरीवाल जी को फंसाया गया है, इन्हें सिर्फ 80% चांस लगता है कि वो शरीफ है, 20% इन्हें भी डाउट है अभी तक कि लगता हो सकता है नेता लोग हैं, घोटाला कर भी सकते हैं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।